बड़ा कदम उठाया जा चुका है और फाइनली सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पीसीबीज और इंटरनल सर्किटरी को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए पीएलआई स्कीम निकाली जा चुकी है। इस पीएलआई स्कीम के अंतर्गत मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स में लगने वाली पीसीबीज, बैटरी पैक्स, पावर अडेप्टर्स और स्विच मोड पावर सप्लाई सर्किट्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए 3% इंसेंटिव की घोषणा कर दी गई है। चाइना की इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में वर्ल्ड डोमिनेंस को खत्म करने के लिए इससे पहले मोबाइल फोन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जिस पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया गया था उसमें इंडिजनाइजेशन को बढ़ाने के लिए इस दूसरी पीएलआई को लॉन्च किया गया है। इस पीएलआई स्कीम को क्वालिफाई करने के बाद सिलेक्टेड कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए 3% इंसेंटिव भारतीय सरकार द्वारा दिया जाएगा। चाइना के ऑफिशियल्स ने कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पर यह कहा था कि भारत में दिवाली चाइनीज सामान के बिना अधूरी होती है और अब शायद टाइम आ चुका है एक नई दिवाली मनाने का, जहां आग तो हम भारतीय ही लगाएंगे लेकिन पटाखा कहीं और फूटेगा। 7,325 करोड़ रुपए की इस पीएलआई स्कीम के तहत उन सभी एलिजिबल कंपनीज को चुना जाएगा जो भारत में लैपटॉप्स, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और सर्वर्स मैन्युफैक्चर करने में सक्षम होंगी। इस पीएलआई स्कीम की वजह से चाइना को लगने वाले झटके का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में हर साल लगभग 30,000 करोड़ रुपए के लैपटॉप्स इंपोर्ट किए जाते हैं, जिनमें से 80% इंपोर्टेड लैपटॉप्स चाइना से मंगवाए जाते हैं। इस पीएलआई स्कीम की वजह से भारतीय सरकार पूरे विश्व के टॉप 5 लैपटॉप्स और टैबलेट्स मैन्युफैक्चरर्स को भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए बुलाना चाहती है, जिससे विश्व का एटलीस्ट आधा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट कैप्चर किया जा सके। पीसीबी असेंबली के अलावा भारतीय सरकार कुछ बड़े चिप मैन्युफैक्चरर्स से भी बात कर रही है, जिससे इन इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जा सके। आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले ही इंटेल अपनी एक चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में लगाने वाली थी, लेकिन राज्य सरकार और भारतीय सरकार के मतभेद के चलते इस प्लांट को नहीं लगाया जा सका। अब भारतीय सरकार इंटेल से फिर इस चिप मैन्युफैक्चरिंग को भारत में लगाने के लिए बातचीत कर रही है और एप्पल की तरह ही इंटेल को इस चीज का आश्वासन दिया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए सभी रिसोर्सेज कम समय में मुहैया कराए जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले 2020 में ही पूरे विश्व के पीसीबी मार्केट की वैल्यू $59 बिलियन आंकी गई थी और 2026 आते आते इस मार्केट की वैल्यू लगभग $76 बिलियन तक हो जाएगी। $59 बिलियन का आधे से ज्यादा मार्केट अभी चाइना डोमिनेट करता है। सोचिए, अगर भारत पीसीबी के मार्केट में उतर के चाइना को टक्कर देने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले तो भारत के खुद के अरबों डॉलर तो बचेंगे ही, इसके अलावा अरबों रुपए के पीसीबी सर्किट्स भारत कई देशों को बेच पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए उठाया गया ये कदम सच में सराहनीय है और आगे आने वाले टाइम में आप ये देख पाएंगे कि भारत में बने सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज में एटलीस्ट 80% मेड इन इंडिया पार्ट्स और कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया होगा। न केवल हैंडल डिवाइसेस बल्कि पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी स्वदेशीकरण बढ़ाया जाएगा, क्योंकि भारत में बने लगभग सभी गाड़ियों में चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमको लगता है कि पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग की पीएलआई स्कीम में कुछ भारतीय स्टार्टअप कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए, जिससे विदेशी कंपनीज के अलावा स्वदेशी कंपनीज बिना किसी संकोच के मैन्युफैक्चरिंग में आसानी से उतर पाए।